मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 41वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो फोन नेक्स्ट का अनाउंसमेंट किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि भारत में आज भी 30 करोड़ 2G यूजर्स हैं जो बेसिक फोन यूज करते हैं और ये लोग एक स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही यूजर्स को ध्यान में रखते हुए जियो ने अल्ट्रा अफोर्डेबल स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट का अनाउंसमेंट किया था और इसको इस साल सितंबर में लॉन्च करने का प्लान भी किया था, लेकिन सप्लाई चेन में किन्हीं कारणों की वजह से शायद लॉन्च डिले हो गया। तो इस वीडियो में हम इसी अल्ट्रा अफोर्डेबल स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इस फोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च वगैरह के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग में बता चुकी है कि इस स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मार्ट कैमरा विद ऑगमेंटल रियलिटी फिल्टर्स जैसे फीचर्स रहने वाले हैं। लेकिन यह एक ऑब्वियस सी बात है कि इस स्मार्टफोन को जियो गूगल के साथ बना रहा है, तो ये फीचर्स होना एक आम बात है। लेकिन हाल ही में गूगल प्ले कॉन्सोल से इस स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स सामने निकल कर आए हैं। गूगल प्ले कॉन्सोल दिखाता है कि इस डिवाइस में एड्रीनो 306 GPU के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 चिपसेट रहेगा और बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसमें 2GB रैम आने वाली है। अभी इसकी डिस्प्ले को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन गूगल प्ले कॉन्सोल पर इस डिवाइस की डिस्प्ले रेजोल्यूशन को HD+ लिस्ट किया गया है। इस स्मार्टफोन में 13 MP का सिंगल कैमरा सेटअप और सेल्फीज और वीडियो कॉल्स के लिए फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। जियो ने रिसेंटली इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक रिवील किया था। इसके साथ ही उसमें बताया गया था कि इसमें प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की। तो अभी तक इसका प्राइस रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस 3499 के आसपास रह सकता है। एक्चुअल क्या प्राइस होगी वो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले जियो ने अपने ग्राहकों को पुराने फ़ोन के बदले नए फ़ोन 500 रुपये में दिए थे, उसी तरह इस स्मार्टफोन के लिए भी जियो कोई स्कीम रख सकता है। सवाल आता है कि क्या जियो फोन नेक्स्ट में जियो के अलावा एयरटेल, VI जैसे सिम कार्ड यूज कर पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जियो इन स्मार्टफोन से प्रॉफिट नहीं कमाता, बल्कि इन स्मार्टफोन में लोग रिचार्ज करवाएंगे उससे प्रॉफिट गेन करेगा। जियो का शुरुआत से ही एम रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में अपना यूजर बेस क्रिएट कर पाए, और इसीलिए जियो ने ऐसे 30 करोड़ यूजर्स को टारगेट किया है जो आज भी बेसिक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन यूजर्स को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो काफ़ी कम कीमत पर ये स्मार्टफोन मिलेगा, और साथ ही इन स्मार्टफोन के यूजर्स के लिए स्पेशल रिचार्जेस भी रहेंगे जो काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाले हैं। आज भी ये बेसिक फ़ोन यूजर्स 84 दिन के लिए करीब 300 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें उन्हें अनलिमिटेड वॉइस और 6GB डाटा मिलता है, जो उनके किसी काम का नहीं। लेकिन जियो फोन नेक्स्ट के बाद उम्मीद है कि इससे कम प्राइस में इन यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस और डेली अनलिमिटेड इंटरनेट भी मिलेगा, जिसका यूज़ वो कर पाएंगे। वैसे तो यह स्मार्टफोन सितंबर में ही लॉन्च होने वाला था, पर किन्हीं कारणों की वजह से इसका लॉन्च डिले हो गया। अभी भी इसकी कोई लॉन्चिंग डेट सामने निकल कर नहीं आई है, पर जियो इसे जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो ये था वीडियो जियो के अपकमिंग अल्ट्रा अफोर्डेबल जियो फोन नेक्स्ट के बारे में। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अभी भी अगर आपका कोई सवाल है जियो फोन नेक्स्ट को लेकर तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।